नमस्कार किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने गन्ने जो आपने गन्ने की बुआई की है उसमें ज़्यादा कल्ले कैसे बनाएं। केवल 8 से 10 दिन के अंदर ही आपके खेत में जितने भी कल्ले हैं उनका डबल हो जाएंगे। किसान भाइयों, ये हर एक पौधे से 8 से 10 कल्ले लगभग, उससे बल्कि ज़्यादा ही आपके खेत से गन्ने निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। और किसान भाइयों, आपका जो गन्ने का खेत है वो पूरा तरीके से अच्छे से कल्लों से भर जाएगा, उसमें ज़्यादा सा भी गैप नहीं रहेगा। और किसान भाइयों, जब ज़्यादा गन्ना होगा तो ज़्यादा फसल निकलेगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सा खाद डाल है जिससे कि हमारा जो गन्ना है वह ज़्यादा टेल्डिंग करे और अच्छे से पैदावार में लगा रहे। तो किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले किसान भाइयों, कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो किसान भाई, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक पर कि गन्ने के कल्ले 8 से 10 दिन के अंदर ही कैसे डबल करें। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको सबसे पहले लेना है यूरिया। यूरिया की मात्रा यहाँ पर लेनी है आपको 30 किलोग्राम, 30 से लेकर 35 किलोग्राम भी आप यूरिया ले सकते हैं। यूरिया के साथ ही आपको लेना है किसान भाइयों 6 किलोग्राम सल्फर। सल्फर आपको 90% WDG वाला लेना है और पाउडर फॉर्म में लेना है। और किसान भाई, सल्फर को आपको यूरिया के ऊपर अच्छे से फैला लेना है और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है। और किसान भाई, सल्फर का यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होने वाला है। एक तो यह हमारी मिट्टी को मुलायम बना देगा जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी और हमारी जो गन्ने की टिल्डिंग होती है वह नीचे से निकलने में वो जल्दी जल्दी से निकलेगी और उसे ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना पड़ेगा। और दूसरा जो यहाँ पर इस सल्फर का कार्य होने वाला है कि जो भी हमारे खेत में गन्ने की फसल में फंगस की बीमारी लगती है, जो फंगस के रोग लगते हैं, उन्हें भी वह हमारे खेत में नहीं आने देगा। किसान भाइयों, इसके साथ साथ ही आपको लेना है यहाँ पर सागरिका। सागरिका की मात्रा यहाँ पर आपको 10 किलोग्राम लेनी है। सागरिका हमारे गन्ने के फुटाव के लिए बहुत ही जो अहम रोल निभाने वाली है वह होने वाली है। किसान भाइयों, इसके साथ साथ ही आपको लेना है एक जीवरस। जीवरस आपको यहाँ पर 1 लीटर लेना है। जीवरस आपको स्क्रीन पर नीचे दिखाया जा रहा है, यह आपको किसी भी दुकान पर मिल जाएगा। किसान भाई, 1 लीटर आपको जीवरस लेना है। जीवरस हमारे जड़ों का विकास करेगा, उसमें टिल्डिंग बहुत अच्छे तरीके से चलाएगा। किसान भाई, इसमें ह्यूमिक एसिड होता है। इसके साथ साथ ही आपको लेना है 6 किलोग्राम कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड भी आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। किसान भाई, आपको 6 किलोग्राम कैल्शियम क्लोराइड लेना है और इन सभी को मिक्स करके अपने खेत में लाइन लाइन में डलवा देना है। और किसान भाइयों, अपने खेत की अगले दिन सिंचाई कर देनी है। किसान भाइयों, इन खाद का इस्तेमाल आपको शाम के समय ही करना है। शाम के समय आप खाद का इस्तेमाल कीजिए और अगले दिन आप अपने गन्ने की सिंचाई कर दीजिए। किसान भाइयों, इन खाद को डलने के तुरंत बाद ही आपके खेत में ऐसी मात्रा में टिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। धीरे 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 8 से 10 दिन के अंदर ही आपका खेत गन्नों से भर जाएगा और लगभग हर गन्ने से 10 से 12 कल्ले आपके निकल जाएंगे। और किसान भाइयों, आपका गन्ना निरंतर पैदावार में आ जाएगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपको जीवरस और कैल्शियम क्लोराइड जरूर लेना है। किसान भाइयों, यहाँ पर यदि आपको कैल्शियम क्लोराइड नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप कैल्शियम नाइट्रेट भी ले सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा आपको लेनी है 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो किसान भाइयों, यदि आपको या तो आप कैल्शियम क्लोराइड ले या कैल्शियम नाइट्रेट ले, एक ही चीज़ आपको लेनी है। ऐसा नहीं कि आप दोनों ही चीज़ अपने गन्ने में डाल दीजिए। किसान भाइयों, या तो आप कैल्शियम क्लोराइड डालिए या फिर कैल्शियम नाइट्रेट, इन दोनों की मात्रा मैंने बता दी है। इस तरीके से आप इन सभी को मिक्स करके अपने खेत में डलवा दीजिए। और किसान भाइयों, इससे आपको बहुत ही बम्पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।